हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर आईएम सेंटेंस का मैं अगला पार्ट लेकर आया हूँ। और देखिए इसको, और मैं हमेशा बताते रहा हूँ कि आईएम स्टेज मैं मेरी कोशिश है कि मैं आपको 100-200 करा दूँ। 200 ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 200 कम भी नहीं है। अगर 200 आप कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा होगा आपके इंग्लिश फ्लुएंसी में, साथ साथ कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम में या इंटर एग्जाम में बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज फिर मैं आईएम स्टेज लेकर आया हूँ और चल रहा हूँ अगला, ए डेट ऑफ रोजेस, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ है। ए डेट ऑफ रोजेस, सुगम रास्ता, आसान, आरामदायक, जिसको हम बोलते हैं स्कूलों में सेज भी बोलते हैं, सुगम रास्ता भी बोलते हैं, फूलों की सीज या आसान, जिसको बोलते हैं आरामदायक, आरामदायक भी बोल सकते हैं। ए बेड ऑफ रोजेस, जिसको हम जिसके अर्थ में क्या होता है इसका, एकदम से कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ध्यान दीजिए। ए बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सीज या आरामदायक या सुगम, तो इसको हम बोलते हैं कंफर्टेबल। क्या बोलते हैं? कंफर्टेबल। याद रखना, एग्जामिनेशन में आएगा ए बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। तो ऐसे में आपको चार ऑप्शन होंगे, जिसमें आपका ऑप्शन ए यहाँ भी शामिल होगा, कंफर्टेबल, और यही इसका आंसर होगा। चलिए दूसरा आप देखते हैं, ए ब्लैक सी, ए ब्लैक सी, और हम पिछले बारे में बताए थे कि फ्रेज या मतलब हम बताए थे कि जो दो या दूसरे अधिक वर्ड से मिलता है और उसका अलग अर्थ आता है, पुराना मतलब कुछ नया अर्थ लाता है, नहीं तो आप जानते हैं ब्लैक माने क्या होता है, काला, सिख माने भी, तो ऐसा नहीं, और अलग किसी अपना अर्थ लाए तब ये फ्रेज या आर्यम से फ्रेज का काम करता है, आर्यम से फ्रेज का काम तब करता है। ब्लैक सिख का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति, बदनाम व्यक्ति, ध्यान दें, बदनाम व्यक्ति, ए मीन मैन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ए मीन मैन या मीन फेलियर, ए मीन, ए ब्लैक, बदनाम व्यक्ति, नीच व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं, तो ए मीन फेलियर या मीन मैन भी बोल सकते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं, ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत प्रचलित है ये बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, झगड़े की वस्तु, इसको हम कहते हैं झगड़े की जड़ या झगड़े की वस्तु। ध्यान देंगे यहां, झगड़े की वस्तु, झगड़े की वस्तु, ऐसे बोलने के लिए बोलते हैं कि यार जमीन के टुकड़ा, दोनों भाई के झगड़े की जड़, झगड़े की वस्तु, तो हम यहां झगड़े की वस्तु, यहां देख लेंगे, ए बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की वस्तु, द कॉज ऑफ डिस्प्यूट्स, या झगड़े के कारण भी कह सकते हैं इसको, झगड़े के कारण, तो ए कॉज ऑफ डिस्प्यूट, यहां देखिए, ए कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ए कॉज ऑफ डिस्प्यूट। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, ए गुड डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, प्रचुर मात्रा में, बहुत, हम बोल सकते, ए गुड डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत आया, प्रचुर मात्रा में, या बहुत आया, बहुत, ए लार्ज अमाउंट भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ए लार्ज अमाउंट, ए लार्ज अमाउंट, ध्यान दीजिए, ए गुड डील ऑफ मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ए लार्ज अमाउंट। अगला देखिए, अगला हम बता रहे हैं,
A lamb excuses. जिसको हम बोलते हैं झूठी बहाना, बहाना बना, बहाना बनाना या असंतोषजनक आंसर उत्तर, जिसको हम बोल सकते हैं असंतोषजनक उत्तर, असंतोषजनक, संतोषजनक व्याख्या या उत्तर, उत्तर हम इसको लिख सकते हैं अनसैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, इसको हम लिख सकते हैं अनसैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। चलो आगे हम लिखते हैं ए फुल पैराडाइज, ध्यान देखें ए अगला है ए फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज कल्पित भावना, अचानक दिन बिताए नहीं देखते रहते हैं, बहुत कल्पना करते हैं, पूरा बनाने वाला नहीं है तो कल्पना का तो सीमित नहीं है, लिमिटेशन नहीं होती है, तो ऐसे भावना को हम क्या कहते हैं ए फूल्स पैराडाइज, कल्पित, कल्पित भावना। ऑटोपिया, इसको बोलते हैं ऑटोपिया, और ध्यान देंगे इसको हम क्या बोलते हैं ऑटोपिया। ए फूल्स पैराडाइज कल्पित भावना ऑटोपिया, तो ध्यान देंगे एक बार फिर से मैं इसको ये कर रहा हूं, ए बेड ऑफ रोजेज, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फूलों की सीज, असेज, आरामदायक, आसान काम, सरल काम सब बोलते हैं कंफर्टेबल, इसका क्या होगा कंफर्टेबल। दूसरा है कि ब्लैक सिप, बदनाम व्यक्ति, घटिया व्यक्ति, जिसको ए मीन फेलो या ए मीन मैन भी बोल सकते हैं, ए मीन फेलो या ए मीन मैन। ए बोन ऑफ कंटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बात झगड़े की जब हम अक्सर ऐसे बोलने के लिए बोलते हैं ना, पहले बोलते थे पाकिस्तान इज सॉरी सॉरी यानी कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऐसे बोल देते थे, कहावत भी था कि कश्मीर जो है झगड़ा भारत पाकिस्तान के झगड़े की जड़ हो गई है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, आपको पता है तो ये बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की जड़ तो एक कॉज ऑफ डिस्प्यूट हुई। आगे देखते हैं ए गुड डील ऑफ प्रचुर मात्रा में, बहुत बहुत भी बोल सकते हैं, बहुत ए लार्ज अमाउंट, ए लार्ज अमाउंट, ए लार्ज अमाउंट, ए लैम स्किल्स, झूठी बहाना बनाना, बहाना बनाना या असंतोषजनक उत्तर देना, व्याख्या करना, जिसको बोल सकते हैं अनसैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, अनसैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। लास्ट यहाँ ए फूल्स पैराडाइज, ध्यान देंगे यहाँ ए फूल्स पैराडाइज कल्पित भावना ऑटोपिया, ऑटोपिया कल्पित। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ आपके एग्जामिनेशन में ऐसे रहेंगे चार ऑप्शन होंगे जिसमें एक ऑप्शन ये भी होगा, एक एक ऑप्शन ये भी होगा, यही आपका आंसर है। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।